नमस्कार दोस्तों, होटल अतिशय के चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम एक सूप लेकर आए हैं जिसका नाम है टोमेटो लेमन कोरिएंडर सूप। तो चलिए हम देखते हैं कि गर्मा गर्म सूप बनकर कैसे तैयार होता है। नमस्ते, मैं शेफ मधुसूदन सिंह, एग्जीक्यूटिव शेफ होटल अतिशय। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं, बहुत ही सिंपल और ईजी रेसिपी है टोमेटो लेमन कोरिएंडर सूप। तो आइए देखते हैं कैसे बनता है टोमेटो लेमन कोरिएंडर सूप। तो आइए एक नज़र डालते हैं हम इंग्रेडिएंट्स पे कि हमें वो सूप बनाने के लिए क्या क्या लगेगा। पहले तो हमें चाहिए होगा पानी, इसको प्लेन वाटर है, थोड़े चॉप टोमेटोस, लेमन, कोरिएंडर और ब्रॉक पाउडर, सॉल्ट एंड सूप को थिक करने के लिए थोड़ा सा घुला हुआ कॉर्नफ्लोर लिया हुआ है हमने, कॉर्नस्टार्च स्लरी, क्योंकि हर बार हम बनाते हैं ड्राई कॉर्नफ्लोर में प्लेन वाटर मिला के हम इसको घोल कर रख देते हैं, ये काम आता है सूप को गाढ़ा करने के लिए। और थोड़ा सा हमने लेमन जूस निकाल के रखा हुआ है, ठीक है जी। सबसे पहले तो हमने एक पैन ले लिया है और ये गैस ऑन कर दी हमने, गैस फुल ऑन है और इसमें अब हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। सूप के लिए पानी या तो फिर आप वेजिटेबल स्टॉक बना सकते हो, वेजिटेबल स्टॉक नहीं है तो सिर्फ पानी चलेगा, स्टॉक का पूरा टेस्ट और फ्लेवर आपको देगा ये एरोमेट पाउडर, ठीक है जी। गैस हमने ऑन कर दी, पानी उबलने चढ़ा दिया और उसको थोड़ा सा बॉयल होने का 2 मिनट वेट करेंगे। जैसा कि हमने बताया कि पानी बॉयल होने का 2 मिनट वेट करेंगे, ऑलमोस्ट पानी बॉयल होने पे है, बस ये उबलने वाला है। अब हम इसको सीजनिंग देना शुरू करते हैं, जिसमें डाल दिया हमने अपना एरोमेट पाउडर और डाल दिया हमने स्वादानुसार नमक। ये सबसे सिंपल सूप है, इसमें कुछ ज़्यादा वैसे भी जाता नहीं है। इसको हम एक बार थोड़ा सा घुमा देंगे ताकि ये सब इसमें डिजॉल्व हो जाए और इसके साथ ही हम सबसे पहले डाल देंगे टोमेटोज को, थोड़ा सा पकने में टाइम लगता है। तो टोमेटोज डाल दिए हमने, जैसा कि हमने बताया कि सूप का नाम है टोमेटो लेमन कोरिएंडर सूप, राइट। जैसे ही ये उबलना शुरू होगा तब तक हम कॉर्नफ्लावर को रखते हैं रेडी घोल के। ये देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए ताकि ये गाढ़ा हो जाएगा इससे। जैसे ही बॉयल आना शुरू होता है हम एक चम्मच में ऐसे लेके इसको ऐसे फैला के उसको तेज तेज घुमाना चालू कर देंगे ताकि इसमें लम्स ना पड़ जाए। सबसे सेकंड लास्ट कोरिएंडर के सूप में टोमेटो लेमन कोरिएंडर सूप है और टोमेटो और कोरिएंडर का कलर भी देखो कितना बढ़िया लग रहा है, रेड एंड ग्रीन कलर का सूप बन चुका है। और फाइनली हम इसमें ऐड करेंगे लेमन जूस। लेमन जूस डालते ही हम गैस को कर देंगे बंद, नहीं तो लेमन जूस होने लगेगा कड़वा। फिर आप बताएंगे हमें इसका टेस्ट आपने बनाया तो कैसा बना, और अब हम इसको सर्व करते हैं एक सूप बोल। ये हमारा टोमेटो लेमन कोरिएंडर सूप बनके तैयार हो चुका है। इसके साथ हम हमेशा चाइनीज सेट सर्व करते हैं जिसमें होता है चिली विनेगर, चिली पेस्ट और सोया सॉस। आप इसमें किसी को भी मिक्स करके अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसको सीजन करके आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। देखिए हमारा टमाटर लेमन कोरिएंडर सूप बनके तैयार हो चुका है, और आप बनाइए और हमें बताइए कि आपका टोमेटो लेमन कोरिएंडर सूप कैसा बना, और अपने घर पे आने वाले मेहमानों का भी स्वागत सूप से करें, क्योंकि सर्दियाँ तो आने वाली हैं तो वैसे ही मौसम ठंडा हो रहा है। सूप एक बहुत बढ़िया चीज़ होती है सर्दियों के अंदर, जब अंदर से थोड़ी सी वार्मनेस देती है, ठीक है। और बाकी अगर आपको पसंद आया हो हमारा सूप तो एक बार हमें लाइक सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपने बनाया तो आपका कैसा बना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, नमस्ते।